घुसता ही नहीं और अंधेरे से डरता हूं मैं मां। वोटिंग कार्ड 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 बनवाता नहीं पर इलेक्शन से डरता हूं मैं मां। ये सब है पता मेरी मां निर्मा तेरी मां मेरी मां कैसे हैं? सब ठीक हैं? ताली क्यों नहीं बजाते टकाटक? देखिए हमें यहां पर आने के लिए पता तो ठीक दिया था, हमसे कहा गया था एनसीपी आना, नरीमन पॉइंट पहुंच जाना। हम नरीमन पॉइंट आ गए, एनसीपीए से घोषणे से रह गए। मैं सीधा पॉइंट पे चला गया और ऐसे पॉइंट पे जाके घुस गया, तब पता चला इसे नरीमन पॉइंट क्यों कहते हैं। जब मैं उन पत्थरों में जाके घुस गया तब वहां पर एक नारी और एक मैन एक ऐसे पॉइंट पे थे मैं वहां से भागा और यहां पर सीधे पॉइंट पर आ गया। ये पॉइंट पे आप तालियां बजाना पसंद करेंगे? शुक्रिया, तालियों की आवाज सुनी अच्छा लगा, वरना हमें तो लग रहा था कि इसी चीर शांति में उड़न खटोले से उड़ जाऊं। लेकिन आइए इन तमाम आदरणीय महतियों के बीच मैं आपका स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी आदरणीय महोदय हैं आपसे फिर एक बार वार्तालाप करने की चुरत कर रहा हूं। राजीव जी सर कैसे हैं आप बतलाइए ना, अब तक ठीक ठाक हैं? एकदम ठीक है, आप कहने से पहले तक ठीक हैं। आपकी तबीयत मैं पता करता हूं मंच पर जाने के बाद। लारा जी हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, मुझे तो बोलना पड़ेगा पहचान कौन। सुना है आप योगा करने के लिए फिजी आइलैंड गई थी, यहां पर स्थान नहीं मिला। सिखाने गई थी वहां पर, सिखाने गई थी। जय गुरुदेव। साहब जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपकी आवाज क्या मिल गई दर्शील बेटा, ये खरगोश के दांत हमें देंगे? नहीं नहीं, भाड़ा दे दूंगा। यू आर सो क्यूट, आई लव यू। आए हुए तमाम आदरणीय सीएम साहब और जितने भी रेस्पेक्टेड अतिथिगण हैं, आप सभी की ओर से मेरा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो तालियां नहीं बजाएंगे उन्हें बुरे बुरे सपने आएंगे। और जिन्हें जिन्हें बुरे बुरे सपने आएंगे वो मन ही मन में दो बार नारायण नारायण बोल लीजिएगा। नहीं नहीं देशमुख साहब, आप मत बोलिएगा, पिछले कई दिनों से आप बोल ही रहे हैं। आप सिर्फ मनमोहन बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है।
और लक्ष्य भी। मुझे आप सभी के फैन मेल आए हैं, आपके चाहने वालों ने भेजे हैं। मुझसे कहा गया है कि रोकड़ा पढ़ डालो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला पत्र है। बाबूजी सादर प्रणाम, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती की बात आती है, आपकी मिसाल दी जाती है। सैफ साहब, शायद आपके लिए लिखा गया है, इसलिए हमारे नवयुवकों से संदेश देने के लिए कृपया आप अपने कीमती समय सारणी से थोड़ा सा वक्त हमें आप देंगे तो हम आपके सदैव कृपाभिलाषी रहेंगे। आपका स्नेहांकित अंबानी, उत्तर मुंबई। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री साहब का ये पत्र है। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? यू आर सो हॉट। विच इज योर नेक्स्ट रिलीज? आई वॉन्ट टू मैरी यू, प्लीज रिवर्ट। सीएम साहब माफ कर दीजिए, ये पत्र गलती से सैफ साहब का पढ़ लिया आपके नाम से, माफ कर दीजिएगा सर। सर लेकिन सच्ची बताइए, हैंडसम बोला तो अच्छा लगा ना आपको? थोड़ा घर जैसा फील हुआ। सैफ साहब आप भी माफ कर दीजिएगा प्लीज, माफ कर दीजिएगा प्लीज। नहीं तो देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ माफ कर देंगे तो मैं आपके नाम का टैटू इधर खुदवा के 2 साल तक गिटार बजाता रहूंगा।